ईद के जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से छेड़छाड़। अनंतपुरा में जुलूस के दौरान तिरंगे में चक्र की जगह लगाया इस्लामिक चिन्ह। चांद तारे लगाकर तिरंगा लहराने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों की संबंधित मौलाना और इस्लामिक संस्थान के खिलाफ एक्शन की मांग है। ये वीडियो आपके सामने, हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कई सारे सवाल और कई तरह की मानसिकता इससे परिलक्षित होती हुई राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ का यह मामला और बेहद गंभीर प्रकरण। अपने आप में ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, हालांकि वीडियो तो सभी के सामने और नजर भी आ रहा है, फर्स्ट इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन छेड़छाड़ अगर राष्ट्रीय ध्वज के साथ होती है या फिर हुई है तो ये बहुत गंभीर मसला है। भंवर, ये बहुत गंभीर मसला है और ये सीधे सीधे जो भारतीय कानून की ध्वज संहिता है जी, उसका ये सीधा सीधा वायलेशन है और साथ में राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे छेड़छाड़ की बिल्कुल भी इजाजत दी नहीं जा सकती है, जिसमें देश का राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, लेकिन ये जो ध्वज लहराया जा रहा है इसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि तिरंगे के बीच में जहाँ पर चक्र होता है उसके स्थान पर आप देख रहे हैं कि चांद और तारे लगा दिए गए हैं, जो एक इस्लामिक प्रतीक भी है और साथ में पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का जो हिस्सा है वो भी इससे मिलता जुलता है। मैं आपको बताऊं जैसी कि अनंतपुरा में निकल रहे ईद के जुलूस का ये पूरा वीडियो है और इस पर कोटा पुलिस ने एक्शन भी लिया है और वीडियो के आधार पे एक नाबालिग की पहचान की है कोटा पुलिस ने, जो कि इस आपत्तिजनक तिरंगे को लहरा रहा था और उसे निरुद्ध करने का एक्शन दिया जा चुका है। लेकिन कोटा के हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि जिस संस्था की तरफ से जिस इलाके में ये जुलूस निकाला गया, संबंधित जो मौलाना है और जो उस जुलूस के आयोजक हैं, जो प्रबंधक है, एक सख्त एक्शन और एक बड़ा एक्शन पूरे मामले में लिया जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जो हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं वो इस पूरी मांग को लेकर के अनंतपुरा थाने भी पहुंचने वाले हैं। इस तरह के मैसेजेस भी लगातार व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे हैं और एक आंदोलन भी इस पर करने की तैयारी हो रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस आपत्तिजनक तिरंगे को लहराने के प्रकरण में एक नाबालिग को फिलहाल पुलिस ने निरुद्ध किया है, जो कि इस आपत्तिजनक ध्वज को वहां पे लहरा रहा था जी। लेकिन भंवर, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद है और हंसी खुशी के साथ, सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाने की बात जब सामने आती है और फिर इस तरह के वीडियोस, लेकिन भंवर इतने सारे लोगों में सभी तमाशबीन बनकर बैठे रहे, सभी देख रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज तो सभी का है ना, किसी एक का नहीं है, सभी को क्या ये बात खटकी नहीं कि ये कुछ अलग ही लग रहा है, ये तिरंगा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल जयती, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस तरह से तिरंगे ध्वज से छेड़छाड़ हुई है तो उसको डिजाइन भी किया गया है, कहीं कहीं उसका ग्राफिक्स भी तैयार हुआ है और उसका प्रिंट भी लिया गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी एक नाबालिग बच्चे नहीं कर दिया होगा और इतना लंबा चौड़ा ध्वज लेकर के एक ही बच्चा अपने ही घर से खुद की मनमर्जी से निकल करके इसको लहरा रहा हो। तो फिलहाल इसी बात को मुद्दा हिंदुवादी संगठन ने बनाया है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है और इस पूरे मामले की व्यापक जाँच होनी चाहिए, कौन लोग कौन संस्था इसके पीछे है उसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए और इसी बात को लेकर कोटा में हिंदुवादी संगठन जो है वो एकत्रित भी होने वाले। ठीक है भंवर, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर